अब कैसे कोई दे दे तो खा ले, नहीं तो बैठे हम तो। गरीब व मजदूर के सामने आया रोटी का संकट, मजदूर वर्ग को नहीं मिल रहा है रोजगार, सरकार नहीं दे रही है सहायता। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा हालात दहाड़ी मजदूर करने वालों के खराब दिख रहे हैं। उनके घरों में खाने के लाले पड़ रहे हैं, दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। कोरोना के चलते मजदूरी करने वाले व कचरा उठाकर बेचने वालों के हालात खराब हो रहे हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सरकार ने भी सहयोग किया, वहीं भामाशाह ने भी आगे बढ़ चढ़कर सहायता की, लेकिन इस बार न तो सरकार कुछ सहायता कर रही है और न ही भामाशाह आगे आ रहा है, जबकि प्रशासन जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की बात कर रही है। काफी वर्षों से रह रहे कालबेलिया के परिवार वालों ने बताया कि घर में कुल 8 लोग हैं, कचरा बिन कर घर खर्चा चलाया करते थे। जब से कोरोना आया है तब से घर में बैठे हुए हैं, कचरा बिनने जाते हैं तो पुलिस वालों का डर बना रहता है। जैसे तैसे कचरा बिन लाते थे तो खरीदने वालों की दुकान बंद मिलती थी। दादी शांति ने बताया कि कोरोना से तो मरे या न मरे लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। पिछले साल जब कोरोना में सब कुछ बंद हुआ था तब सरकार और भामाशाह राशन उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन अब भामाशाह और सरकार दोनों ही गरीब लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है, जिसके चलते दहाड़ी मजदूर मजदूरी करके अपना परिवार पालने वालों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खाने का ना पीने का ना कुछ, अब कचरा चुक के हम पेट भरते थे वो भी हमारा बंद पड़ा था, क्या करें हम। तो अब कैसे काम चल रहा है? अब कैसे कोई दे दे तो खा ले, नहीं तो बैठे हम तो। कितने दिन से हालत है? कई दिन हो गए ना, अब सब लोग टोन को तो आपको पता ही है। सरकारी तरफ से कोई सहायता? पहले तो आटा वाटा मिला था एक दो बार, अब कुछ भी नहीं मिल रहा।